नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी? आज का सेशन हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप के बारे में है। आपसे गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं और मैं चाहूंगी कि उनको इस परेशानी में आराम मिले। दोस्तों, ये बीमारी ऐसी है कि अगर अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी जीवन शैली में थोड़े से बदलाव किए जाएं तो ये ठीक हो सकती है। इस सफर में मैं आपके साथ हूँ, इसलिए आज मैं इसके बारे में बात करूंगी, बताऊंगी कि हाई बीपी क्या होता है, कैसे होता है, कौन से योगासन से इसमें आराम मिलता है और अपने खानपान में आप क्या बदलाव कर सकते हैं। वीडियो को स्किप ना करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक योग से जुड़ी अच्छी अच्छी जानकारी मैं पहुंचाती रहूं। हाई बीपी को हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाई का मतलब ज्यादा, ब्लड का मतलब रक्त और प्रेशर का मतलब होता है दबाव। इसका अर्थ हुआ कि हमारी रक्त धमनियां यानी कि ब्लड वेसल की दीवालों पर रक्त का दबाव जरूरत से ज्यादा होना। हाई बीपी के कोई खास लक्षण तो नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आपको पसीना आता है, घबराहट होती है, सरदर्द होता है, सांस फूल जाती है, जी मिचलाने लगता है, तो एक बार अपना बीपी जरूर चेक करा लें। हाई बीपी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हाई बीपी रहा हो, आपका वजन अधिक है, धूम्रपान और तंबाकू का अधिक सेवन करते हैं, कोई व्यायाम नहीं करते हैं, खाने में तला भुना और मसालेदार खाना ज़्यादा होता है, एज फैक्टर भी इसका एक कारण होता है। लेकिन स्ट्रेस यानी कि तनाव इसका एक बहुत बड़ा कारण है। छोटी छोटी बातों को अपने दिल में लेना, उनके बारे में सोचते रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चीज़ों पर हाइपर एक्टिव होना भी आपके हाई ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एक और चीज़ दोस्तों जो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, वो ये कि हम लोग अपनी चिंताओं को किसी के साथ शेयर नहीं करते, उनके बारे में बात नहीं करते, लेकिन अपने अंदर रख के उनके बारे में सोचते ज़रूर रहते हैं। तो आप एक काम करें, अपने प्रियजन जिन पर आप भरोसा करते हैं उनसे अपने मन की बात ज़रूर शेयर करें। ज़रूरी नहीं कि आपको समाधान मिले, लेकिन आपका मन ज़रूर हल्का हो जाएगा। दोस्तों, हमारे हर अंग तब अच्छे से काम करते हैं जब उन तक भरपूर मात्रा में खून पहुंचता है, और ये काम करता है हमारा हृदय, और खून पहुंचाने का काम करती हैं ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त धमनियाँ। जब ये रक्त का दबाव इन धमनियों की दीवालों पर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो खून अच्छे से हमारे अंगों तक नहीं पहुँच पाता और हृदय को भी खून पंप करने में ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। जब ये दबाव लंबे समय तक रक्त धमनियों पर बना रहता है तो ये अंदर की कोशिकाओं को डैमेज करता है और उन टूटी हुई टिश्यूज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जो इन ब्लड वेसल्स को और भी पतला कर देता है, जिससे प्रेशर और बढ़ता है और हमारे जो हृदय है उसके ऊपर और अधिक जोर पड़ने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या जब लंबे समय तक बनी रहती है तो ये हमारे किडनीज को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी याददाश्त कम कर सकती है, हमारी दृष्टि भी खराब कर सकती है और ज़्यादा सीवियर सिचुएशन में हार्ट अटैक भी आ सकता है। समाधान दो हैं। पहला ये कि आप आज से ही तुरंत अपनी लाइफस्टाइल में योगा को ज़रूर इंक्लूड कर लें, जिसके लिए मैंने जो आसन आज मैं कराऊंगी वो आप साथ में प्रैक्टिस करें, और दूसरे भाग में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको अपनी जीवन शैली में, अपने खान पान में किस तरीके की चीज़ें बदलनी होंगी जिससे आपको हाई बीपी में आराम मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने योगा से शुरू करते हैं। आज का सेशन आप हफ्ते में 4 से 5 बार करिए, दिन में किसी भी समय आप खाली पेट इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर योगासन, और आखिर में हम सीखेंगे शीतली प्राणायाम, जो हाई बीपी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए अब हम लोग अपने वार्म अप से शुरू करेंगे। आप ज़मीन पे भी कर सकते हैं, अगर आप बिस्तर पे कंफर्टेबल हैं तो उस पर भी आप कर लीजिए, और इस तरीके से किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में, जैसे इस वक्त मैं सुखासन में बैठी हुई हूँ, इस तरीके से आप बैठ जाएं और मेरे साथ शुरू करें। तो चलिए सबसे पहले अपनी ध्यान मुद्रा में हम बैठेंगे। चेस्ट एकदम सीधा, कमर सीधी होनी चाहिए। आँखें बंद करके 5 अच्छी डीप ब्रेथ्स लेंगे, और डीप का मतलब हुआ कि पेट तक अच्छे से हवा को भरना है और धीरे धीरे बाहर निकालना है। मुंह बंद रहेगा और सिर्फ हम नाक का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से फील करेंगे इसको, ये करने से हमें थोड़ी शांति मिलती है। सांस अंदर लें, बाहर
बहुत अच्छे से सांस लें, 5 बार करना है ये हमें। पूरा अंदर तक पेट भरें, एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहने। आंखें खोल लें और अब हम थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। सामने देखिए, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आगे आके चिन को अपनी छाती से लगाएं। थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करें, सिर्फ 1 से 2 सेकंड का, फिर सांस भरें और पीछे चलते जाएं। ये आपके स्ट्रेस को, आपके मन को थोड़ा हल्का करेगा। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। सांस लेते हुए ऊपर, फिर से सेंटर में आ जाएं। धीरे धीरे करना है, इसलिए मैं भी आपको धीरे ही करके दिखा रही हूँ। साइड में कर लेते हैं, सांस भरें सीधी साइड पे, देखिए आराम से करिए इसको। फिर सांस भरते हुए आ जाएं सेंटर में, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड में। थोड़ा सा खींचे यहाँ पे इसको स्ट्रेच के लिए। फिर सांस भरते हुए आ जाएं मिडिल में। अब थोड़ा सा और करेंगे, आगे हाथ लेके आइए, अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए ले जाइए ऊपर। देखिए बिल्कुल सीधा करिए, चेस्ट खुला रहेगा और दोनों हाथों को इस तरीके से आप फोल्ड कर देंगे। ये देखिए मैंने अपनी कोहनियों को ऐसे पकड़ा हुआ है। यहाँ पे एक अच्छा लंबा इनहेल करेंगे, सांस अंदर यानी कि, और एक्सहेल करते हुए साइड में जाएंगे। देखिए साइड में जाते वक्त कई बार ऐसे हो जाता है हमारा हाथ, इसको रखना है एकदम सीधे, चेस्ट सामने की तरफ रहेगा और हम हल्के से मुड़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्के हल्के करें, चाहे तो आंख बंद कर लें। यहाँ पे 4 से 5 सेकंड का होल्ड लेंगे। फिर सांस अंदर और एक्सहेल करके दूसरे साइड पे ऐसे हल्का सा ट्विस्ट करें। देखिए फिर से बता रही हूँ, इस तरीके से हाथ ना जाए, इसको सीधा जितना रखेंगे उतना अच्छा है। ये आपकी जो पीठ होती है उसके लिए काफी अच्छा है। बीच में आ जाइए फिर से और एक्सहेल करके दोनों हाथों के ले आइए धीरे 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 वापस। तो ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम यानी कि वार्म अप। और अब हम करेंगे आसन। तो सबसे पहला जो आसन हम करेंगे उसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई पोज, बद्धकोण आसना, जिसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने पैरों के जो तलवे होते हैं उनको आपस में जोड़ना है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें जितना जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना लचीला शरीर होता है, उसके हिसाब से ये अलग तरीके से दिखता है। तो अगर आपका पैर यहाँ तक जा रहा है तो ठीक है, अगर आप इसे और अंदर ला सकते हैं तो इसको इस तरीके से खींचिए। दोनों हाथ इस तरीके से, आपका जो आगे पैर जो जुड़े हुए हैं उसको इस तरीके से अच्छे से टाइटली देखिए पकड़िए, और जो दोनों बड़े वाले अंगूठे हैं उनको आपस में ऐसे, तो थोड़ा सा टाइट रखेंगे। इसके बाद एक सांस भरते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे, चेस्ट को अच्छे से खोलेंगे, ठीक है। गर्दन एकदम सामने और चिन भी एकदम सीधी रहेगी, तो इस तरीके से खींचना नहीं है, ठीक है। सांस भरें, कमर को सीधा करें और पीछे पीठ भी एकदम सीधे। आँख बंद करके सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे और ये जो इनर थाइज में स्ट्रेच आ रहा है उसको हम फील करेंगे। बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देती है ये एक्सरसाइज। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी सेम पोजीशन में रहेंगे लेकिन अब हम पैरों को थोड़ा सा मूव करेंगे। और मूव कैसे करेंगे, देखिए सांस कैसे लेना है, कैसे निकालना है, उसका बहुत ध्यान रखना है। सांस अंदर भरें और एक्सहेल करके नीचे, सांस अंदर और एक्सहेल नीचे, सांस अंदर ऊपर और सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। 5 से 10 बार कर लें, मैं आपको 5 बार करके दिखा रही हूँ। फिर आ जाएं नीचे, देखिए पूरे टाइम जो आपका चेस्ट है वो खुला रहना चाहिए, ठीक है। सांस अंदर और फिर नीचे, जब लगे कि थोड़े कंफर्टेबल है तो थोड़ा सा
फास्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद हाथों को वापस लाके दोबारा से आप बैठ जाएंगे सुखासन में। चलिए अब हम लोग दूसरा आसन करेंगे जिसको हम कहते हैं बालासन, यानी कि चाइल्ड्स पोज। इसके लिए हमें बैठना है वज्रासन में। बहुत ही अच्छा आसन है। वज्रासन में कैसे बैठना है उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली है जिसमें आप आसानी से सीख सकते हैं। और वज्रासन के तो कई सारे फायदे हैं। तो चलिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस तरीके से सामने देखें, एक लंबी गहरी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप अपना शरीर नीचे लेके आएंगे। चेस्ट खुला रहेगा, कंधे भी एकदम सीधे होने चाहिए। नीचे आएंगे इस तरीके से। देखिए, हो सकता है यहाँ आने के बाद ये जो माथा है ये पूरी तरीके से मैट पे ना टच हो। तब हमें क्या करना है कि अपने हाथों की दो मुट्ठी बनाएंगे इस तरीके से और इसको ऐसे रख के फिर माथे को रखेंगे। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप दोनों हाथों को यहाँ रख के साइड में नीचे जा सकते हैं, या आप अपने दोनों हाथों को पीछे ले लें, हथेली ऊपर की तरफ ऐसे कर सकते हैं, और या फिर दोनों हाथों को आगे खींचा हुआ मतलब स्प्रेड कर लें, पूरी उंगलियां खुली हुई, और फिर माथे को नीचे मैट पे ऐसे टच कर लें। आप इसमें से जो भी वर्जन करेंगे जो आपके शरीर के अनुकूल है उसको करिए। लंबी गहरी सांस लीजिए क्योंकि हमें इसमें रिलैक्स करना है, ठीक है। तो जहाँ भी अनकंफर्टेबल लगे, करने में दिक्कत हो, वो वाली चीज़ नहीं करनी है। गहरी गहरी सांसें लें यहाँ पे और हाथों को अच्छे से खींचें। दोनों जो थाइज हैं वो आपस में जोड़े रखें टाइटली। अब देखिए, ऊपर वापस आने के लिए आपको अपना पहले सर उठाना है सांस भरते हुए। काफी अच्छी हवा चल रही है आज यहाँ पर, ऐसे आ जाएं ऊपर। चलिए अब हम आखिरी आसन करेंगे जिसको हम कहते हैं कोबरा पोज, भुजंग आसन। तो हमें क्या करना है, पहले बैठ जाएं और पेट के बल हमें लेटना है। पेट के बल ऐसे लेट जाएं आराम से। बहुत आसान है। आपको अपनी दोनों हथेलियां अपने चेस्ट के बिल्कुल बगल में और पास में, ठीक है, यहाँ चेस्ट है तो उसके बिल्कुल बगल में रखिएगा। ऐसे सामने देखिएगा, दोनों पैरों को आपस में अच्छे से जोड़ के टाइट रखें और फिर जो आपके हिप्स की मसल्स हैं उनको भी स्क्वीज करके टाइट करिए, ठीक है। चिन रखें आप अपनी मैट पर, सामने देखें और अच्छे से धीरे धीरे सांस भरते हुए हल्के हल्के ऊपर जाइएगा। अब देखिए, जिसका जितना फ्लेक्सिबल शरीर होता है उतना ही ऊपर जाता है, पर जहाँ आपको लगे कि दिक्कत हो रही है वहीं रुक जाइए। तो ये वाला आप यहाँ रुकेंगे, ठीक है। अगर आप और ऊपर जा सकते हैं तो आप इतना आ जाइए, नहीं तो आप इतने पे रुक के आराम से 10 से 15 मिनट यहाँ पे डीप ब्रीथ करेंगे। सांस लेते रहें आप ऐसे ही। ये है कोबरा पोज। पर सारी बातों का ध्यान रखें, पैर जुड़े हुए, ठीक है, आपके जो हिप्स की मसल है वो एकदम टाइट, और दोनों हाथ की हथेलियाँ अच्छे से मैट पे जुड़ी हुई और उंगलियाँ सारी खुली हुई। अब एक डीप इनहेल लेंगे और एक्सहेल करते हुए सर आ जाएगा आपका नीचे। हाथों को पीछे ले जाएं, थोड़ी देर आंखें बंद करे रहें। और फिर वापस आ जाएं उठकर। सेशन खत्म होने वाला है, आसन खत्म हो गए। जैसा मैंने बताया था कि मैं एक प्राणायाम भी आज सिखाऊंगी जिसको कहते हैं शीतली प्राणायाम। बहुत ही अनोखा और बहुत ही अच्छा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम, जिसके नाम में ही शीतलता है, क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर है जो उसको लो करता है। तो जैसे जब गर्मियों का मौसम होता है तो उस टाइम पे इस प्राणायाम को करने से आपकी बॉडी कूल डाउन होती है, जो आपको स्ट्रेस, टेंशन और जो घबराहट होती है उसको ये कम करता है। खास बात इस आसन की है कि आप सोने से पहले भी इसको कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, आराम से इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जिन लोगों को कफ, खांसी, ऐसी दिक्कतें हैं या जुखाम है, वो शीतली प्राणायाम ना करें, क्योंकि ये और भी ज़्यादा आपके बॉडी टेम्परेचर को कम कर देगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को हम तीन हिस्सों में सीखेंगे। तो इसमें होता क्या है, इसमें आप अपने मुंह से सांस लेते हैं और जो बाहर निकालते हैं वो निकालते हैं अपनी नाक से, सबसे पहली चीज़। और जो सांस लेने का अंदर तरीका है वो बड़ा ही अलग है, जिसको मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे करना है। दूसरे स्टेप में हम अपनी सांस को थोड़ी देर रोकते हैं जलंधर बंद लगा के, ठीक है, इसको लॉक बोलते हैं। और फिर हम सांस को बाहर छोड़ते हैं अपनी नाक से। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं भी जब आपको करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि कितना आसान है। तो चलिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सांस कैसे अंदर लेंगे, सामने देखेंगे पहले। जिस भी अवस्था में आपको बैठना है आप बैठ जाइए सुखासन में, ठीक है। अब हमें जो अपनी टंग है उसको हमें एक पाइप का फॉर्म में बदलना है, जैसे एक नई पत्ती होती है उसको जब मोड़ते हैं और उसके भीतर से हमको सांस भरनी है। वो हम कैसे करेंगे, अपनी जीभ को बाहर निकाला, ये देखिए जिस तरीके का मैंने रोल करके पाइप बनाया वैसा पाइप आप अब मेरे साथ ही प्रैक्टिस करिए, बाहर निकालिए और फिर ये पाइप बनाइए। देखा आपने, इसके बाद हमें इसी पाइप के अंदर से धीमे धीमे अंदर सांस लेनी है, जलंधर बंद लगाना है 4 से 5 सेकंड के लिए। अगर आपका बीपी बहुत बड़ा हुआ है इस सिचुएशन में तो आप होल्ड ना करें, आप बंद ना लगाएं, ठीक है। अब बंद क्या होता है, सेकंड स्टेप में बता रही हूँ, जब सांस अंदर आ गई तो जैसे आप पानी को एकदम गटकते हैं अंदर, सेम उसी तरीके से जो हवा अंदर आएगी मुँह में उसको आपको अंदर की तरफ लेना है, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, इसको हम कुंभक बोलते हैं, रिटेंशन को, जब भी हम हवा को शरीर में रोकते हैं उसको हम कुंभक बोलते हैं। 4 से 5 सेकंड के लिए कुंभक लगाएंगे और फिर अपनी नाक से हवा को वापस बाहर छोड़ेंगे। अब ये जो क्रिया है ये मैं आपको पूरी करके बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जलंधर बंद कैसे लगता है। जलंधर बंद में हमने जैसे सांस को अंदर ले लिया, उसके बाद जो चिन्ह होती है उसको हम अपनी चेस्ट के ऊपर चिपका देते हैं, ठीक है, जिससे एक लॉक लग जाता है थ्रोट में और जो सांस अंदर होती है वो अंदर की तरफ ही रहती है। तो चलिए मैं आपको एक बार पूरा करके दिखाती हूँ, सामने देखेंगे। अभी एक बार आप मुझे देखिए पहले, फिर साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ये लगा बंद, और जो मैंने अब सांस छोड़ी वो मैंने नाक से छोड़ी। अब जब इसको एक साइकिल करेंगे ना तो आपके मुंह में ठंडक आएगी और ये ठंडक धीरे धीरे आपके शरीर में आएगी। बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन जो हमारी टंग होती है उसका एक काम और होता है, वो होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अगली साइकिल में। तो चलिए पहले आप अपने जीभ का स्ट्रॉ बनाइए। आप कम से कम 8 से 10 साइकिल कर लें इसकी, ठीक है। शुरू में आप 5 से शुरू करें, जब कंफर्टेबल हो जाएं तब इसको 10 करें। अब इसके बाद जब आप शीतली प्राणायाम कर लेते हैं तो मेरी एक वीडियो है प्राणायामा फॉर बिगिनर्स, उसमें नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और भ्रामरी बताया गया है। तो उन प्राणायाम को इस पूरे सेशन के बाद आप कर सकते हैं, या फिर आप एक दिन ये करें और फिर एक दिन वो सारे प्राणायाम करें, इस तरीके से आप अल्टरनेट कर सकते हैं। लेकिन कम से कम हफ्ते में 4 से 5 बार तो ये करना ही पड़ेगा आपको, आपके बीपी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये सारे सेशंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इस शीतली प्राणायाम को आप करिए। आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और अब मैं आपको बताऊँगी कि हमें अपने खान पान में
क्या बदलाव लाने चाहिए अपने बीपी को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों अब हम बढ़ गए हैं वीडियो के अगले भाग में, जिसमें हम बात करेंगे अपने खानपान से जुड़ी चीजों के बारे में। कुछ बदलाव करने से हम हाइपरटेंशन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपनी जो बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं वो आप कंटिन्यू रखें। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और कौन सी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में आपको अपने खानपान में इंक्लूड करनी है, डालनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जिनसे आपको परहेज करना है, जिनको आपको कम मात्रा में लेना है। पहली चीज़ सोडियम, यानी कि नमक के फॉर्म में जो हम बहुत ज़्यादा अपने शरीर में लेते हैं। वो जितने भी लोग हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, जिनको परेशानी है, वो तुरंत अपना नमक कम कर दें। नमक सिर्फ खाने में कम नहीं करना है। कई बार कई लोग ऊपर से खाना डालते हैं, फल काटते हैं उसमें डालते हैं, आपने जो सलाद काटी उसमें डाली, जूस तक में हम लोग नमक डाल लेते हैं। तो वो जो बाहर से जो हम एक्स्ट्रा नमक लेते हैं वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इमीडिएटली वो आपके ब्लड को, आपके ब्लड के प्रेशर को बढ़ा देता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके खून में ये पानी रिटेन करने लगता है और प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो आपको अपना सोडियम इनटेक कम करना है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कैफीन और शुगर की। जिन लोगों को कॉफ़ी पीने की बहुत आदत है या शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा है, ये दोनों चीज़ें हाइपरटेंशन को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो ये दो चीज़ें हमें अपने दिनचर्या से काटनी है। कॉफ़ी की अगर मैं बात करूँ तो दिन में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात को नींद भी ख़राब करता है। और रात के टाइम जो बॉडी को आराम और रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन को जो पूरा अच्छे से काम करता है, वो नहीं हो पाता है। तो चलिए, बात हो चुकी है सारे परहेज की, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए जो हमारे बीपी को कम करने में हमारी मदद करेंगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको सोडियम कम करने के लिए बोला था, उसके ऑपोजिट में हमेशा शरीर के लिए, जो वाटर रिटेंशन की मैं बात कर रही थी, हमें अपने खाने में बढ़ाना चाहिए बहुत सारा पोटेशियम। पोटेशियम बहुत अच्छा मिनरल है जो हमारे बीपी को कम करने में बहुत हमारी मदद करता है। कई बार हमें पता नहीं होता कि इसके सोर्सेस क्या हैं। इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं और मोस्टली फ्रूट्स में ये मिलता है अच्छी अमाउंट में। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक फ्रूट की जो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, पेट भी भरता है और हम सबको शायद पता भी होगा, जिसमें पोटेशियम काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, और वो फ्रूट है बनाना, जिसको हम केला भी बोलते हैं। आसानी से हमें मिलता है, पेट भरता है, स्वादिष्ट होता है और ऐसा फ्रूट है जिसको काटने का, छीलने का कोई झमेला ही नहीं है। इसको तो अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें, और सिर्फ बीपी वालों के लिए नहीं है, ये मिनरल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम वैसे भी कई लोगों को होता है, तो हमें अपने खाने में केला ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ है सेब। बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है, तो आप देख लीजिए आपको क्या पसंद है, लेकिन मैं सच में आपको बता रही हूँ, आप डेली का एक सेब अगर खाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितनी एनर्जी मिलती है। इस फ्रूट में बहुत सारे मिनरल्स हैं, इंक्लूडिंग पोटेशियम जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो सेब ज़रूर खाएं। सब्जियों की अगर मैं बात करूँ तो मैं पालक आपको रिकमेंड करूँगी, इसमें पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, हमें आसानी से मिल जाता है सलाद में, साग में, सब्जी बना करके, सैंडविचेस में, हम किसी भी तरीके से इसको खा सकते हैं। और अच्छी बात इसकी क्या है कि ये पचाने में बहुत वो होता है, तो ऐसा किसी को नहीं होगा कि आप पालक पचा नहीं सकते, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए है। इसमें आयरन भी काफ़ी होता है, आयरन हमारे एप्पल में भी काफ़ी होता है, पर अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बीपी को लेकर के। बट वैसे भी ये चीज़ें अगर आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। अब बात करते हैं कुकुम्बर की, इसमें भी पोटेशियम काफ़ी होता है। आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बट खीरा बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। मैं सलाद में खीरा हमेशा खाती हूँ, लेकिन बिना नमक डाले खाना है, ठीक है, सारे फ्रूट्स के ऊपर नमक कहीं पर भी नहीं जाएगा। और एक और चीज़ आपने देखा होगा, बाबा रामदेव भी बोलते हैं कि लौकी का जूस पियो, लौकी का जूस पियो। एक्चुअली लौकी का जूस बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो सुबह अगर मौका मिले हफ्ते में 2 या 3 बार, तो अच्छी सी फ्रेश लौकी दिखते ही उसको उठा लें, क्योंकि फिर हम बनाएंगे उसका सुबह जूस। ये बहुत अच्छा होता है और आसानी से बन जाता है, आप इसको ब्लेंड कर लें, थोड़ा सा पानी मिक्स करें, छान लें और जूस, इसका जूस तैयार हो जाता है। इसमें भी हमें नमक नहीं डालना है, ठीक है। और ये तो बात हो गई पोटेशियम की, जो हमारे वाटर रिटेंशन का जो मैं उसकी बात कर रही थी, उसको कंट्रोल करेगा। ये आपको जो 5 चीज़ें मैंने बताई है, आप इनको ज़रूर अपने उसमें डाइट में इंक्लूड करिए, आसानी से मिलेंगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलती है। सीजनल है वो मैं मानती हूँ, बट आपको ज़रूर मिलेगी।
अब बात करते हैं एक ऐसे खास इंग्रेडिएंट की जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में काफ़ी हमारी हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल भी हमारे जो हार्ट कंडीशन होती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, उसको और ज़्यादा एग्रवेट यानी कि और ज़्यादा बढ़ा देता है। गार्लिक, लहसुन, लहसुन जो भी आप इसको बोलते हैं, और बहुत सारे लोग इसको खाते नहीं हैं अपने खाने में, किसी को स्मेल का प्रॉब्लम होता है और कुछ कल्चर में हम लोग वैसे भी गार्लिक अवॉइड करते हैं, लेकिन इसको खाने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसकी एक कली आप निकालिए, ठीक है, इसको छीलिए और सुबह बस हल्का सा गर्म पानी लेकर के निगल लीजिए, सॉरी ठीक है, तो इसको छीलना है और इसको पी लेना है बिना गिराए, जैसे मैंने गिराया, बट anyway, तो इसको आप एक खा सकते हैं डेली, ये कोलेस्ट्रॉल में आपकी हेल्प करेगा। मैं खाती हूँ, मुझे कोलेस्ट्रॉल का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और गार्लिक में और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की हैं, वो कभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, पर अभी कोलेस्ट्रॉल के लिए इसको भी आप अपने उसमें इस्तेमाल करिए। तो ये कुछ जो 6 चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप इनको अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करिए, मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा, और आपसे फिर किसी अच्छे और दिलचस्प वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। नमस्ते।